देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये आप 0% है। अगर आप इसे 10% पे कर सकते हैं तो 10% पे करने के बाद आपकी वॉल्यूम जो है 10% बूस्ट हो जाएगी। 20% करोगे तो 20% हो जाएगी, 30% करोगे तो 30% हो जाएगी। मतलब अगर आपके स्पीकर की, इस स्पीकर की आवाज़ आपकी कम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा किसी को सुनाई ही नहीं पड़ती है, तो आज इस वीडियो में आपको 3 सेटिंग ऐसी बताऊँगा जिसे करने के बाद आपके स्पीकर की आवाज़ लगभग 500 गुना तक इंक्रीज़ हो जाएगी। और भाई अगर यकीन ना आता हो तो वीडियो पूरी देख के जाना। तो चलो भाई, वीडियो में आपको तीनों सेटिंग बताऊंगा। तीसरी सेटिंग वो बहुत ही कमाल की है, उसे करने के बाद तो 100% आपके स्पीकर की आवाज़ जो है बूस्ट होने वाली है। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो मैं एक जो है सिंपल सेटिंग बताता हूँ सबको आप क्या करनी है। देखिए सबसे पहले तो भाई आपको आना है अपने क्रोम ब्राउजर पर। क्रोम ब्राउजर पर आने के बाद जो आपको काम करना है, उससे पहले आपको एक और काम करना है भाई, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। तो देखिए क्रोम पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है भाई फिक्स माई स्पीकर। ऐसे लिखने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो भी सबसे पहली वेबसाइट आएगी, देखिए यहाँ पर फिक्स माई स्पीकर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको जो है अपनी वॉल्यूम पूरी बढ़ा लेनी है, जितनी भी आपके फोन की वॉल्यूम है वो आपको मैक्सिमम कर लेनी है। मैक्सिमम करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो आपको जो है यहाँ पर ये बटन शो हो रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने से होगा क्या, जो भी आपके स्पीकर में, फोन के स्पीकर में डस्ट होगा, पानी होगा, जो भी गया हुआ होगा, एक यहाँ से बीप आएगी, बीप के साथ सब कुछ बाहर आएगा और स्पीकर आपका जो है यहाँ से लगभग 50% तक जो है क्लीन हो जाएगा और उसकी आवाज़ जो है अच्छी खासी बढ़ जाएगी। अगर फिर भी उसकी आवाज़ नहीं बढ़ती है तो देखिए आपको क्या करनी है, मेन सेटिंग आपको बताता हूँ। आपको अपने मोबाइल की मेन सेटिंग में आना है, जो भी मेन सेटिंग होती है। मेन सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर जैसे आप मेन सेटिंग में आओगे अपने मोबाइल की, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, ये रेडमी का मोबाइल है, सभी मोबाइल की सेम सेटिंग होती है, सैमसंग की थोड़ी अलग होती है। तो यहाँ पर आपको ये सेटिंग करनी है, आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको एक फीचर मिलता है, मतलब सेटिंग मिलती है एडिशनल सेटिंग, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर किसी के फ़ोन में एडिशनल सेटिंग नहीं है तो भाई उसको यहाँ पर मिलेगी भाई एडवांस सेटिंग, सिस्टम सेटिंग, या भाई मिलेगी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग। तो यहाँ पर जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको सेटिंग मिलती है भाई एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, आपको इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद देखिए ऊपर आपको ऑप्शन मिलते हैं भाई जनरल का, विजन, हियरिंग और फिजिकल। तो आपको यहाँ पर हियरिंग वाले पर जाना है। हियरिंग वाले पर जाने पर आपको जो यहाँ पर जो ये मोनो ऑडियो वाला ऑप्शन मिलता है, ये सबका बाय डिफॉल्ट जो है डिसेबल होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद आपकी यहाँ पर जो है ऑडियो वॉल्यूम, मतलब मोबाइल के स्पीकर की वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगी। ये जो है कंपनी इसी वजह से देकर रखते हैं, जिसको जो है आपको अनेबल करके रखना है। अगर इन सब चीज़ों को करने के बाद भी आपके स्पीकर की आवाज़ नहीं बढ़ती है, वॉल्यूम नहीं बढ़ती है, तो आपको तीसरा काम क्या करना है, देखिए तो तीसरी सेटिंग देखिए क्या करनी है। तीसरी सेटिंग आपको ये करनी है, ये एक एप्लीकेशन है, या मैं आपको बाद में बता दूंगा एप्लीकेशन कौन सी है। ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिलता है बूस्ट का ऑप्शन, इस तरह से आप जो है आवाज़ को बूस्ट कर सकते हो। पर यहाँ से आप मेन सेटिंग नहीं करनी है, मेन सेटिंग आपको यहाँ पर जो ये सेटिंग मिलती है इसमें सेटिंग में जाना है और यहाँ पर सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर अनेबल कर देने हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर अनेबल का, ये आपको अनेबल कर देने हैं। अनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है, ये देखिए भाई मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, तो आपको इसको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए आपकी वॉल्यूम जो है यहाँ पर 60% पर जो है सेट होगी, तो आपको यहाँ पर 60 पर ही रखनी है। अगर फिर भी आपकी आवाज़ आपको लगता है कि कम आ रही है तो आपको 70 कर लेनी है, अगर फिर भी लगता है कम आ रही है तो 80 कर देनी है, फिर भी लगता है तो 90 कर देनी है, 100 तक इसमें जो है सेटिंग आप कर सकते हो। पर भाई ये आपका खुद का रिस्क होगा, आपका स्पीकर भी इससे डैमेज हो सकता है, क्योंकि इसकी जो है इसे अनेबल करने के बाद आपके स्पीकर की आवाज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ से आप पहले तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आपको 60% पर ही रखना है, उसके बाद अगर कम आती है तो तब आपको यहाँ पर जो है 60, 70 या 80 कुछ भी आपको करके देख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से जो है ये सेटिंग करने के बाद अगर फिर भी नहीं इंक्रीज होती तो यहाँ से आपको देख लेना है बूस्ट करके। अगर आप 10% करोगे तो 10% आपकी बूस्ट हो जाएगी, 20 करोगे तो 20 हो जाएगी, 30 करोगे तो 30 हो जाएगी, और यहाँ से आप जो है मैक्सिमम बूस्ट भी कर सकते हो। तो इससे आपके स्पीकर को भी खतरा हो सकता है, तो आप जो है सावधानी से इसको करना। तो ये सेटिंग आपको कर लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ भाई एप्लीकेशन कौन सी है। एप्लीकेशन ये देखिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और ये एप्लीकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ये देखिए वॉल्यूम बूस्टर, ये आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद ये सारी सेटिंग आपको इसमें कर लेनी है, इसमें करने के बाद ये आपकी जो है वॉल्यूम को बूस्ट कर देगा। तो भाई अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, सेटिंग अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।